पानी लेकर आना, एक ऐतिहासिक भारतीय परंपरा। उन दिनों में? किन दिनों में? अरे उन दिनों में जब होते हैं पीरियड्स। बेटा जाओ पानी लेकर आओ। रुक जाओ बच्चों, बहुत ले आए तुम पानी। ये लो पानी। आप कौन? समझ बूझ की देवी, अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश, बच्चों की दोस्त छोले वाली दीदी। सदियों से बच्चों को पानी लेकर आने को कहा जा रहा है। अब्बा ये क्या है? बदतमीज, जाओ पानी लेकर आओ। ये के मस्ती चुम, चल ग्रहण अस्ति। भूगा 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 पानी भूगा। पर ऐसा क्या है जिसे आपके माता पिता आपसे छुपाना चाहते हैं? आँख किधर है? इधर। नाक किधर है? इधर। यहाँ क्या है? बदतमीज, जाओ पानी लेकर आओ। आज तक भारतीय बच्चे 5000 अरब सागर के बराबर पानी ला चुके हैं। जी हाँ, हम अपने शरीर और उसके बदलाव के बारे में अपने माता पिता से भी बात नहीं कर सकते। नहीं, अब और नहीं। यौनिकता हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके बारे में सही समय पर सही जानकारी मिलने से हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। ये है कहानी हमारे शरीर में होने वाले प्राकृतिक बदलाव की। ये लड़कियों में 9 से 15 साल की उम्र में और लड़कों में 12 से 17 साल के बीच होते हैं। ये बदलाव सबके शरीर में होते हैं। कद, काठी, लंबाई, शरीर की बनावट सबकी अलग अलग हो सकती है और ये बिल्कुल अजीब नहीं है। सब अगर एक जैसे लगते तो ये दुनिया दुनिया नहीं, रोबोट फैक्ट्री लगती। पर ये शरीर बदलता कैसे है? मैं बताती हूँ। पहले लड़कियों का शरीर बदलता है। 9 से 15 साल की उम्र में लड़कियों का शारीरिक विकास होता है, जहां उनके स्तन और कूल्हों में बदलाव आता है। लड़कों का शरीर थोड़ी देर में बदलता है। मेरी आवाज फट गई। जी हाँ, लड़कों को दाढ़ी और मूछें भी आना शुरू हो जाती हैं। ये भरी हुई काली चमकदार दाढ़ी मूछें हो सकती हैं, या धागे वाली पतली पतली मूछें हो सकती हैं, या फिर मूछें ही नहीं। और बाल सिर्फ मुंह पर ही नहीं आते, लड़कों के शरीर पर ही नहीं, बाल लड़कियों के शरीर पर भी आते हैं। और जब हम करते हैं शारीरिक हिस्सों की बात, लड़कों के जनन अंग हैं लिंग, मूत्रमार्ग या पेशाब की जगह अंडकोश, और गुदा या मलद्वार। लिंग के टिप पर पेशाब की जगह है। अंडकोश के अंदर शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु कुछ ऐसे दिखते हैं और लड़कों के शरीर में एक उम्र के बाद बनने शुरू होते हैं। लड़कियों के शरीर में 3 मुख्य चीजें, योनि, पेशाब की जगह और गुदा यानी मलद्वार। लड़कियों के प्रजनन अंग सामने नहीं होते। अगर हम योनि और उसके ऊपर के भाग को एक्सरे में देख सकते तो वो कुछ ऐसा दिखता। ये है अंडाशय, जो बादाम के माप और आकार के होते हैं। ये हैं अंडवाहिनी नालियां। ये हमारे सर के एक बाल के मोटाई जितने मोटे होते हैं। ये है बच्चादानी, जो एक बंद मुट्ठी के माप और आकार की होती है। लड़कियों के शरीर में अंडाशय अंडाणु रखते हैं। कैसे अंडे दीदी? मुर्गी के अंडे जितने बड़े? नहीं नहीं, इतने बड़े नहीं। ये अंडे तो एक राई के दाने से भी छोटे होते हैं। ये एक कोशिका है जिसे ओवा कहते हैं। हर महीने बच्चादानी में रक्त की एक मोटी दीवार बनने लगती है और हर महीने ये अंडाणु और रक्त की दीवार टूटकर धीरे धीरे 2 से 8 दिनों में
योनि से होते हुए शरीर के बाहर बह जाती है। इसे हम कहते हैं माहवारी और आम भाषा में इसे हम पीरियड्स भी कहते हैं। पीरियड्स के बाद अगले महीने की तैयारी के लिए एक नई रक्त की दीवार दोबारा बनने लगती है। लड़कियों में युवावस्था के बाद पीरियड्स हर महीने होते हैं। ये 10 से 17 साल की लड़कियों में शुरू होता है और 45 से 55 साल तक की उम्र तक हो सकता है। लड़कियों के लिए पीरियड्स के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ये उनके स्वास्थ्य से संबंधित है। एक अच्छा बेटा, पिता और दोस्त बनने के लिए लड़कों को भी पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, अगर लड़के भी इस प्रक्रिया को आज समझेंगे तो आगे चलकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और वो गलत इन्फॉर्मेशन का भी शिकार नहीं होंगे। जी हाँ, ये आपके आसपास हर लड़की को हर महीने होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। पीरियड्स के दौरान आप अपना दैनिक कार्य आम दिनों की तरह कर सकते हैं। माहवारी के दौरान जो रक्त का बहाव होता है ना, उसे सोखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सैनिटरी पैड। आपने इनके एड्स तो देखे ही होंगे और देखकर शायद कंफ्यूज भी हुए होंगे, है ना? किन दिनों में? उन दिनों में। मम्मी, ये टीवी पर किस चीज का एड आ रहा है? मम्मी, ये बाथरूम में क्या रखा है? हर समय बस इधर उधर की चीजों में ध्यान रहता है तेरा। होमवर्क किया अपना? टेस्ट की पढ़ाई हो गई? जाओ पानी लेकर आओ। ये सैनिटरी पैड अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में फेंकना होता है। और कुछ अपनी हिचकिचाहट में और कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सैनिटरी पैड्स किसी भी दवा की दुकान या जनरल स्टोर से खरीद सकते हैं। इसमें ना आपको शर्माने की जरूरत है ना किसी और को। और जरूरी नहीं कि सब सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें। देखो, अगर कपड़ा इस्तेमाल करो तो उसको साबुन से अच्छे से धोकर और धूप में सुखाकर इस्तेमाल करो। कई बार पीरियड्स के दौरान पेट या टांगों में दर्द भी हो सकता है। मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा रहा। बहाने वाला, स्कूल से छुट्टी मारने वाला पेट दर्द नहीं, असली पेट दर्द। पीरियड्स को लेकर काफी गलत फहमियां भी हैं। लोग कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को नहाना नहीं चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, अचार को नहीं छूना चाहिए, इसरो के अगले रॉकेट को नहीं छूना चाहिए, लॉन्च फेल हो जाएगा। अरे क्या इसरो में लड़कियां काम नहीं करती? क्या वो रॉकेट नहीं छूती? क्या उन्हें पीरियड्स नहीं होते? फिर भी मंगलयान लॉन्च हो गया ना? ये सब जानकारी ज्यादा लग रही होगी, पर घबराओ मत, बस अभी ही ज्यादा लगेगी, पर थोड़े टाइम बाद। पर थोड़े टाइम बाद ये बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। तो घबराना मत दोस्तों, और अब ले आओ पानी सबके लिए। मिलते हैं आपसे हमारी अगली फिल्म में। बाय बाय।